हेलो दोस्तों, मैं अमृत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल अमृत रेलवेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया ने चाइनीज़ कंपनी हुएई और ZTE को बैन कर दिया है, जिसके बाद से भारत की ही नहीं बल्कि देश विदेश की कई सारी कंपनियों ने भारत के भीतर काफ़ी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल सरकार ने जो 12,195 करोड़ की टेलीकॉम गियर मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम लॉन्च की थी, जिसके अंतर्गत दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अब तक 25 से ज़्यादा कंपनी ने आवेदन जारी कर दिया है, जिसमें नोकिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनी भी शामिल है। वैसे दोस्तों, जैसा सोचा गया था इस स्कीम को लेकर के कि कैसा रिस्पॉन्स रहने वाला, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। इस स्कीम के अंतर्गत जैसा देश विदेश की कंपनियों द्वारा रिस्पॉन्स मिला है, वैसा तो सोचा भी नहीं गया था कि ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, इस स्कीम के जरिए जो भी इन्वेस्टर होंगे उन्हें सरकार के द्वारा अच्छा खासा इंसेंटिव दिया जाएगा, ताकि वे अपने कंपनी को अच्छा और आगे ले जा सकें। ऐसा दोस्तों अनुमान लगाया गया है, जो भी इन्वेस्टर इस स्कीम में इन्वेस्ट करने वाली है उसे 20 गुना ज्यादा सरकार के द्वारा इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसकी मदद से भारत में न केवल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी बल्कि भारत में बनने वाले जो भी प्रोडक्ट होंगे उन्हें ग्लोबल मार्केट में पहुंचाया जा सकेगा। अब दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ये PLI स्कीम भारत सरकार द्वारा 2022 से 2026 तक 5 साल के लिए सपोर्ट की जाएगी, जिसके अंतर्गत भारत सरकार 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाना चाहती है। अब दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर किसी देश में कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, कुछ भी बिक्री होता है, तो उसको लेकर के उस देश के सरकार को टैक्स मिलता है, जिसके अंतर्गत सरकार ने इस स्कीम से भी 17,000 करोड़ की रेवेन्यू की आशा की है। साथ ही दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, इस स्कीम के अंतर्गत अगले 5 साल में लगभग 2.5 लाख करोड़ इक्विपमेंट्स मनाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत 2 लाख इक्विपमेंट्स तो एक्सपोर्ट ही होंगे, जिससे दोस्तों उम्मीद है कि भारत से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमसे मिलने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलिए दोस्तों, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।